गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रामोद राय, असिस्टेंट प्रोफेसर चाणक्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास बीएड फर्स्ट ईयर यूनिट वन लेक्चर थर्ड हम लोग का सब्जेक्ट कोड है C5 का अध्ययन करेंगे। आज का हम लोग का प्रकरण होगा अनुशासन का महत्व। अनुशासन का महत्व तो हम जानते हैं, किसी भी मनुष्य के जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व होता है। अनुशासन के द्वारा ही व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अनुशासन का मानव, विद्यालय एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन व्यवस्था का प्रतीक है। अनुशासन व्यवस्था का प्रतीक है। अनुशासन के द्वारा ही व्यक्ति किसी कार्य को सही तरह से कर सकता है। अनुशासन के अभाव में किसी भी व्यक्ति किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकता है। इसलिए अनुशासन का महत्व हर व्यक्तियों के लिए अति आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति का अनुशासनबद्ध होना इस बात का परिचायक तो ही है ही कि वह व्यक्ति अपने जीवन को सुसंचालित एवं सुनियंत्रित किए हुए हैं। साथ ही वह इस बात का भी प्रतीक है कि अपने नियमित एवं अनुशासित व्यवहार से समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग भी दे रहा है। यदि विद्यालय परिवेश में अनुशासन विद्यमान है तो इसका प्रभाव विद्यालय के संपूर्ण वातावरण पर पड़ेगा। अनुशासन का प्रभाव जिन क्षेत्रों पर पड़ता है वो निम्न प्रकार से हैं। तो हम यह कह सकते हैं, यह अनुशासन का महत्व व्यक्ति के हर क्षेत्र में पड़ता है। अनुशासन के द्वारा व्यक्ति किसी भी कार्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अच्छे तरह से कर सकता है। अनुशासन के अभाव में कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि अनुशासन का प्रभाव किन-किन क्षेत्रों में पड़ता है जो इस प्रकार है। सबसे पहले विद्यालय प्रशासन का अच्छा होना। विद्यालय प्रशासन का अच्छा होना, यदि विद्यालय व्यवस्था एवं अनुशासन विद्यमान है तो इसका प्रभाव विद्यालय प्रशासन पर सकारात्मक पड़ता है, क्योंकि प्रशासक को बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इस कारण उसका प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहता है। अनुशासनहीन परिवेश में प्रशासक को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और परिणाम यह होता है कि वह इन समस्याओं के समाधान में ही उलझा रहता है तथा प्रशासक के रूप में नियोजन पर कम ध्यान दे पाता है और विद्यालय प्रशासन की सहने सहने उपेक्षा होने लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, अनुशासन के द्वारा विद्यालय को सही ढंग से चलाया जा सकता है। अगर विद्यालय में अनुशासन नहीं रहेगा तो विद्यालय सही तरीका से नहीं चल सकता है। और जो अनुशासन प्रशासक है वो अनुशासन व्यवस्था में ही उलझे रहेंगे और जो उनके काम है वह सही तरह से नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनुशासन विद्यालय में अति आवश्यक है। दूसरा, कक्षा शिक्षण का प्रभावशाली होना। कक्षा शिक्षण का प्रभावशाली होना
भी एक अनुशासन है। कक्षा शिक्षण की सफलता एवं असफलता कक्षा के अच्छे वातावरण पर निर्भर करती है। यदि विद्यालय या कक्षा का वातावरण अशांत रहता है एवं उसमें अराजक स्थितियां विद्यमान रहती है तो कक्षा शिक्षण पर उसका उचित प्रभाव नहीं पड़ता है। छात्र उद्विलेखित रहते हैं, इस कारण वह पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं। अनुशासन के अभाव में कक्षा कक्ष में शिक्षक परेशान रहते हैं, इस कारण वह शिक्षण में रुचि न लेकर सदैव इस बात पर ही ध्यान को केंद्रित किए रहते हैं कि विद्यालय का अनुशासन क्यों बिगड़ रहा है, वह कौन से छात्र हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और इस अनुशासन को सदैव सुधारा जा सकता है। इस कारण हम निस्संदेह यह कह सकते हैं कि यदि विद्यालय प्रशासन अच्छा है तो कक्षा में चलने वाली शैक्षिक गतिविधियां भी प्रभावशाली होगी। यानी कहने का तात्पर्य है ये, अगर अनुशासन रहेगा तभी कक्षा कक्ष में शिक्षण सुचारू रूप से चल सकता है। अनुशासन के अभाव में कक्षा कक्ष में शिक्षण सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। एक शिक्षक हमेशा इस बात से परेशान रहेगा कि कौन सा बच्चा कक्षा कक्ष में उदंडता दिखा रहा है अनुशासन के अभाव में। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन रहेगा तभी कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रभावशाली ढंग से हो सकता है। तो इसलिए कक्षा शिक्षण का प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यालय का अनुशासन अति आवश्यक है। अनुशासन के अभाव में कक्षा कक्ष में एक शिक्षण अच्छे तरह से शिक्षण नहीं कर सकता है। उसका दिमाग हमेशा इस बात में उलझा रहेगा कि कौन सा बच्चा है जो कक्षा कक्ष के वातावरण को गंदा कर रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है, तो वह शिक्षण कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनुशासन का महत्व कक्षा कक्ष में अच्छे शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, उचित व्यवहार को प्रोत्साहन। अनुशासन का महत्व इस दृष्टि से भी बहुत अधिक है कि अनुशासित वातावरण में रहकर व्यक्ति व्यवहार करने के सही तरीकों को सीखता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, अनुशासन के द्वारा ही व्यक्ति वातावरण में रहकर वह अपने व्यवहार को सही तरीकों से सीखता है। हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब अनुशासन के द्वारा ही पता चलता है। अनुशासन के माध्यम से ही व्यक्ति किसी कार्य को अच्छा तरह से कर सकता है, उस कार्य के महत्व को समझ सकता है, वह यह जान सकता है कि क्या हम करेंगे तो अच्छा होगा, क्या करेंगे तो बुरा होगा। अनुशासन के अभाव में ये सब ज्ञान व्यक्ति को नहीं हो सकता है। इसलिए अनुशासन अति आवश्यक है। अनुशासित वातावरण छात्रों के समक्ष विद्यालय की नियमावलियों, अपेक्षाओं, मूल्यों आदि प्रस्तुत करता है एवं उसको अनुपालित करने की अपेक्षा वह छात्र से करता है और उनका अनुपालन करके छात्र व्यवहार करने की उचित तरीकों का ज्ञान करते हैं। इस कारण यह मानना सही है कि जो व्यक्ति स्वयं को अनुशासनबद्ध कर लेता है वह स्वयं ही व्यवहार के उचित मापदंड सीख लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, अनुशासन के द्वारा व्यक्ति विद्यालय के नियमों, कानूनों, अपेक्षाओं, मूल्यों आदि को अच्छे तरह से प्रस्तुत करता है। जो विद्यार्थी या जो बालक विद्यालय के समस्त कार्यों को अच्छे तरह से कर सकता है वह समाज के किसी भी कार्य को अच्छे तरह से कर सकता है। जो बालक विद्यालय में किसी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकता है वह
समाज के किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकता है। इसीलिए यह माना जाता है कि एक अच्छा विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए। अगर बालक विद्यालय के अनुशासन को पालन कर सकता है तो वह समाज के किसी भी कार्य को सही ढंग से, सही तरीका से, सही समय पर कर सकता है। इसलिए अनुशासन का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशासन के अभाव में व्यक्ति किसी भी कार्य को सही तरह से नहीं कर सकता है। तो एक विद्यालय में अच्छा अनुशासन होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चा विद्यालय में किसी भी कार्य को सही तरह से, सही ढंग से, सही समय पर कर सकता है तो उसे समाज के किसी भी कार्य को करने में कठिनाई नहीं होगी। वह जिम्मेदारी से कार्य करेगा, अपना कर्तव्य का पालन करेगा, सही समय पर, सही तरीका से, सही ढंग से वह किसी भी कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट, उत्तम चरित्र का निर्माण। अनुशासन के माध्यम से ही छात्रों का उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। अनुशासन के अभाव में किसी भी छात्र का उत्तम चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी कहा गया है कि अनुशासन में रहकर छात्र व्यवहार के उचित तरीके सीख लेते हैं। जब कोई छात्र व्यवहार करने के मान्य तरीके सीख लेते हैं तो उनका चरित्र निर्माण स्वयं ही हो जाता है। अनुशासन का तात्पर्य है स्वयं को समाज के मान्य तरीकों के अनुकूल ढालना। जब व्यक्ति अपने विचार, क्रियाओं एवं व्यवहार को समाज के अनुरूप ढालने लगता है तो सद्मार्ग का अनुपालन करता है और सद्मार्ग पर चलकर वह अपने चरित्र को अच्छा बना लेता है। यानी अनुशासन के द्वारा ही कोई व्यक्ति या कोई बालक अपने उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकता है और उत्तम चरित्र का निर्माण से ही वह समाज के नियमों कानूनों को पालन कर सकता है और किसी भी कार्य को सही ढंग से कर सकता है। समाज के लिए जो नियम कानून बनाया गया है उसका वह पालन करेगा और उसे सही ढंग से लागू भी करेगा। नेक्स्ट, विद्यालय में सुसंबंधों की स्थापना। हम जानते हैं कि अनुशासन के माध्यम से विद्यालय में सुसंबंधों की स्थापना हो सकती है। अनुशासन में रहने का तात्पर्य है विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी एक ही प्रकार की नियमावली का पालन कर रहा है। किसी के लिए व्यवहार को कोई अलग से मानदंड नहीं दिए हैं, अर्थात सभी अपने को एक व्यवस्था का अभिन्न अंग मानते हैं, जिसका परिमाण उसमें कार्यरत कर्मचारियों को परस्पर संबंधों पर पड़ता है। सुव्यवस्थित एवं अनुशासित वातावरण ही सामान्यताओं को स्वीकारने वाला व्यक्ति यह जान जाता है कि समूह में उनकी क्या स्थिति है, उसे अपने छोटे के साथ कैसे संबंध बनाने चाहिए तथा अपने बड़ों के साथ कैसे संबंध बनाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अनुशासन के द्वारा विद्यालय में आपसी संबंध में मधुरता रहती है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं, वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें ये अनुशासन के द्वारा ही पता चलता है। विद्यालय में बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सब अनुशासन के माध्यम से ही पता चलता है। अनुशासन के माध्यम से विद्यालय में जो बड़े अधिकारी हैं उनको छोटा अधिकारी कैसे सम्मान करते हैं और छोटा अधिकारी को भी बड़े अधिकारी सम्मान कैसे करते हैं, ये सब अनुशासन के द्वारा ही पता चलता है। और ये अनुशासन के माध्यम से ही सही ढंग से किया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्यालय की प्रतिष्ठा पर अनुकूलन प्रभाव।
जिस विद्यालय के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, मुख्याध्यापक अनुशासन का परिपालन करते हैं, उस विद्यालय की सकारात्मक छवि सभी के मस्तिष्क में रहती है। और जब किसी अनुशासनहीन विद्यालय की चर्चा होती है, तो सभी के सामने अनुशासित विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का व्यवहार उस विद्यालय की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, डालता है। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि विद्यालय में अच्छा वातावरण होगा तो विभिन्न पक्षों पर उसका सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। परंतु प्रश्न यह उठता है कि विद्यालय अनुशासित एवं कुअनुशासित क्यों बनता है? वह कौन से कारण हैं जो विद्यालय अनुशासन को बनाए रखने में अपनी सकारात्मक देने देता है देते हैं? अर्थात कहने का तात्पर्य है, अगर विद्यालय के छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, मुख्य प्राध्यापक अगर अनुशासन के पालन करते हैं, तो विद्यालय की सकारात्मक छवि सबके मस्तिष्क में रहता है। अगर कोई दूसरा विद्यालय अनुशासित होता है, तो लोग उदाहरण देते हैं कि देखिए एक वो कॉलेज है या वो विद्यालय है, कितना अनुशासित है, वहाँ के बच्चे कितने अच्छे हैं, वहाँ के शिक्षक कितने अच्छे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल कितने अच्छे हैं, ये सब चर्चाएँ करते हैं लोग। तो एक अच्छा अनुशासन का जो प्रभाव है वह हमेशा सकारात्मक होता है, और उसका उदाहरण दूसरे विद्यालय के लोग भी देते हैं। तो एक विद्यालय के लिए अनुशासन के महत्वपूर्ण स्थान है। अनुशासन के अभाव में कोई भी विद्यालय अपने छात्रों को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकता है, तो इसलिए विद्यालय में अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में अनुशासन के महत्व के बारे में जाने। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।